नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल विटी ज्ञान पर। तो अब हम समझते हैं 10.2 का प्रश्न नंबर 4। त्रिभुज में दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से बड़ा होता है। त्रिभुज एबीसी में दिया है कि एडी, बीई और सीएफ माध्यिकाएं हैं, संगामी बिंदु ओ है और सीधी ये करना है कि दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से बड़ा होता है। तो रचना से एडी को हम बढ़ाते हैं बिंदु जी तक, इस प्रकार कि ओडी बराबर हो जाए डीजी के, और उसके बाद बी को जी से और सी को जी से मिलाते हैं। इसके बाद उपपत्ति से प्रश्न शुरू करते हैं। तो चतुर्भुज बी जी सी ओ में बी डी बराबर है डी सी के, कारण ए डी माध्यिका है इसलिए ये इसके बराबर होगा दिया है। और ओ डी बराबर है डी जी के, कारण रचना से। तो किसी चतुर्भुज के विकर्ण अगर परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है, अतः बी जी सी ओ एक समांतर चतुर्भुज है। और यदि बी जी सी ओ एक समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए बी जी बराबर होगा सम्मुख भुजा सी ओ के। समीकरण नंबर एक बना लेते हैं इसको, और दूसरी भुजा बी ओ बराबर होगा जी सी। अब त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है और हम त्रिभुज ले लेते हैं बी जी ओ। त्रिभुज बी जी ओ में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा, तो बी ओ प्लस बी जी बड़ा होगा ओ जी से, क्योंकि ये नियम है कि त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, बी ओ वैसे का वैसे ही। प्लस समीकरण एक से बी जी को लिख सकते हैं सी ओ बड़ा है ओ जी, ओ जी को हम लिख सकते हैं ओ डी प्लस डी जी, ओ डी प्लस डी जी, ये हमने समीकरण एक से लिखा था। तो समीकरण एक से बी ओ 2/3 बी ई प्लस सी ओ 2/3 सी एफ बड़ा है ओडी प्लस डी जी से, और रचना से ओडी और डी जी बराबर हैं तो डी जी को ओडी लिख सकते हैं, तो ये आएगा ओडी प्लस ओडी। तो बी ओ को लिखा है हमने 2/3 बी ई, क्योंकि माध्यिका को ये संगामी बिंदु केंद्रक 2:1 में विभाजित करता है, और जो शीर्ष वाली तरफ भुजा होती है, शीर्ष वाली तरफ जो हिस्सा होता है वो पूरी माध्यिका का 2/3 होता है, तो बी ओ 2/3 बी ई और उसी प्रकार सी ओ 2/3 सी एफ। तो यहां से 2/3 कॉमन आ जाएगा, 2/3 बी ई प्लस सी एफ बड़ा है ओ डी और ओ डी 2 ओ डी 2/3 गुणा में उधर जाके पलट जाएगी ये बिन, 2/3 बन जाएगा 3/2 बी ई प्लस सी एफ बड़ा है 2 गुणा ओडी। ओडी पूरी माध्यिका का 1/3 यानी 1/3 एडी, 1/3 एडी गुणा ये 2/3 था इधर 3/2, 2 से ये 2 कट जाएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा, यानी कि बी ई प्लस सी एफ बड़ा है एडी से, जो कि हमें सिद्ध करना था।
कि बीई प्लस सी एफ बड़ा है एडी से, यानी कि किसी भी त्रिभुज में उनकी दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से बड़ा होता है। आशा करते हैं सभी विद्यार्थियों के ये प्रश्न समझ में आया होगा। इसी प्रकार के और प्रश्न समझने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।